हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बेहद अच्छे होंगे, क्योंकि सर्दियों का मौसम है और पिकनिक मनाने का समय भी। लेकिन आज हम लोग कुछ अलग ही बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइटैनिक जहाज़ के बारे में। इतनी बड़ी जहाज कैसे डूबे, तो वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा। ज़्यादातर लोग इसके बारे में सुने होंगे, लेकिन इसके कई फैक्ट्स हैं जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 इंग्लैंड के पोर्ट से निकलकर अपनी पहली सफ़र के लिए समुद्र में रवाना हुआ और फिर आपस नहीं लौटा। 14 अप्रैल 1912 को वो एक हिमशिला यानी आइसबर्ग से टकराकर डूब गया, जिसमें 1517 लोगों की मृत्यु हुई, जो इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री आपदाओं में से एक है। दोस्तों टाइटैनिक उस समय का सबसे लंबा जहाज था, जिसकी लंबाई 269 मीटर थी और इसको बनाने में 24 महीने लगे, जिसको 15,000 कर्मचारियों ने मिलकर बनाया था। वो उस समय विश्व के सबसे बड़ी मानव निर्मित चीज थी। 31 मई 1911 जब उसका उद्घाटन हुआ, उस समय टाइटैनिक को देखने के लिए 1,00,000 लोग एकत्रित हुए थे। 269 मीटर की ऊंचाई वाले टाइटैनिक को अगर सीधा खड़ा कर दिया जाए तो ये अपने समय की हर इमारत से ऊंचा होता। इस जहाज की प्रथम श्रेणी की टिकट उस समय $4,375 थी, जो कि आज के समय $1,00,000 होगी, यानी इंडियन 70 लाख रुपीस। जहाज में 885 क्रू मेंबर थे, जिसमें कि 23 महिलाएं थी। टाइटैनिक जहाज के मुख्य लंगर को ले जाने के लिए 20 घोड़ों की ज़रूरत पड़ी थी। दोस्तों इस जहाज की चिमनियाँ इतनी बड़ी थी कि इनमें से 2 ट्रेन गुजर सकती थी। जहाज के अंदर की साँच को लंदन के रिच होटल को देखकर बनाया गया था, जिसमें हर तरह की चीज़ उपलब्ध थी, जैसे कि स्विमिंग पूल, जिम, लाइब्रेरी और रेस्टोरेंट। दोस्तों जहाज पर प्रथम श्रेणी के यात्रियों के लिए 20,000 बोतल बियर की, 15,000 बोतल शराब की और 3,000 सिगार उपलब्ध थी। टाइटैनिक की 4 चिमनियाँ में से चौथी चिमनी नकली थी, जिसे जहाज का संतुलन बनाने के लिए लगाया गया था। टाइटैनिक जहाज को चलाने के लिए हर दिन 600 टन कोयले की ज़रूरत पड़ती थी, जिसके लिए 176 लोग रात दिन लगे हुए थे। जहाज से निकलने वाली करीबन 100 टन राख को हर दिन समुद्र में बहा दिया जाता था। जहाज के कुल यात्रियों में 26 जोड़ी ऐसे थे जो हनीमून पे गए हुए थे। दोस्तों टाइटैनिक पर 4 एलिवेटर, 2 बार शॉप, 1 वार्म स्विमिंग पूल, 1 जिम और 2 बड़ी लाइब्रेरी थी। उस समय टाइटैनिक पर यात्री और स्टाफ के खाने के लिए 86,000 पाउंड मीट, 40,000 अंडे, 40 टन आलू, 3,500 पाउंड प्याज और 3,600 सेब मौजूद थे। दोस्तों टाइटैनिक जहाज के कप्तान एडवर्ड स्मिथ भी उसी जहाज के साथ डूब गया था, जिसके याद में एक स्मारक बनाया गया था। दोस्तों आइसबर्ग जिससे टाइटैनिक टकराया था वो करीबन 100 फीट ऊंचा था। आइसबर्ग के नज़र आने के 37 सेकेंड के अंदर ही टाइटैनिक उससे जा टकराया। दोस्तों कंट्रोल रूम से टाइटैनिक को आइसबर्ग के बारे में 6 बार चेतावनी दी गई थी। आइसबर्ग जब नज़र आया उससे मात्र 30 सेकंड पहले अगर दिख गया होता तो जहाज की दिशा बदली जा सकती थी और तब शायद समुद्र इतिहास की दर्दनाक दुर्घटना नहीं हुए होते। आइसबर्ग से टकराने के 2 घंटे 40 मिनट बाद टाइटैनिक डूब गया था। लाइफ बोट पे पहले महिलाओं को भेजा जा रहा था। बचाए गए 711 यात्रियों में केवल 98 पुरुष थे। दोस्तों टाइटैनिक में लगी सीटी की आवाज़ को 11 मील की दूरी तक सुना जा सकता था। इस हादसे के 1502 डेड बॉडी में से केवल 328 को ढूंढा जा सका, जिसमें 119 डेड बॉडी का शरीर इतनी बुरी तरह नष्ट हो गए उसको वहीं दफनाना पड़ा। सबसे मज़े की बात यह है, टाइटैनिक के मास्टर शेफ ने शराब पीकर शरीर जमा देने वाले पानी में 2 घंटे तक अपनी जान बचाई थी, जिसके बाद उसे बचा लिया गया। दोस्तों टाइटैनिक जहाज दुर्घटना से बचने वाली अंतिम यात्री मिलविना डीन थी।
जिसकी 31 मई 2009 को 97 साल की उम्र में मृत्यु हुई। जिस समय वो जहाज में थी उस समय वो केवल 2 महीने की थी। जहाज में उपस्थित सारे इंजीनियर अपनी अंतिम सांस तक यात्रियों को बचाने में लगे हुए थे। दोस्तों, टाइटैनिक दुर्घटना में बचने वाले जापानी लोगों को उसके देश के लोगों ने कायर कहा था, क्योंकि वो और लोगों की तरह अपने देश के लिए कुर्बान नहीं हुए थे। दोस्तों, इन घटना से आधारित फिल्म टाइटैनिक $2 बिलियन की कमाई कर चुकी है और इस फिल्म को 11 ऑस्कर मिल चुके हैं। तो आज का सफ़र यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आया तभी लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। धन्यवाद।